नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ रीवा की टीम ने आज सतना जिले के ताला समिति प्रबंधक के घर में छापामार कार्रवाई की, जिसमें समिति प्रबंधक राजेश त्रिपाठी के यहां से अनुपातहीन संपत्ति का खुलासा हुआ और लगभग 1 करोड़ से अधिक चल अचल संपत्ति की जानकारी लगी। EOW SP वीरेंद्र जैन ने बताया कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने ताला निवासी राजेश त्रिपाठी प्रबंधक सेवा सहकारी समिति ताला के विरुद्ध अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए थे। शिकायतकर्ता ने लेख किया था कि राजेश त्रिपाठी वर्ष 1996 से सेवा सहकारी समिति मलया ताला में सेल्समैन के पद पर और वर्ष 2015 से समिति प्रबंधक के पद पर लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं और अनाज वितरण, खाद वितरण और मिट्टी तेल वितरण में गबन कर आम जनता को शासन द्वारा दिए जाने वाले लाभ से वंचित रखता है। शिकायत के सत्यापन में आय से अधिक संपत्ति होना प्रथम दृष्टया पाई जाने से अनावेदक द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए विक्रेता और समिति प्रबंधक के पद में रहकर अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने से थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में कई धाराओं में पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है। दिनांक 24 नवंबर 2020 को सर्च वारंट लेकर सुबह EOW की टीम द्वारा आरोपी के ग्राम खैरी तहसील हुजूर जिला रीवा और ग्राम पोस्ट ताला तहसील अमरपाटन स्थित निवास पर छापा मारकर सर्च कार्रवाई की गई है। सर्च कार्रवाई के दौरान आरोपी के दोनों मकानों से 1 ETIOS कार, 5 प्लॉट की रजिस्ट्रियां, 2 घर, 2 मोबाइल, लाखों की बीमा पॉलिसियां और लगभग 3,50,000 की ज्वेलरी प्राप्त हुई है। इस प्रकार आरोपी के पास से अभी तक की कार्रवाई में लगभग 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति प्राप्त हुई है, जबकि आरोपी की सेवा अवधि में ज्ञात स्रोतों से कुल आय 6,21,646 रुपए हुई है। राजेश त्रिपाठी जो कि समिति प्रबंधक हैं ताला में अमरपाटन तहसील जिला सतना में, उनके आज रीवा स्थित घर और ताला के घर पे संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है और उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत थी, जिसमें FIR पंजीबद्ध की गई और माननीय सतना न्यायालय से वारंट प्राप्त किया जाकर दोनों जगह कार्रवाई की गई है। उसमें अभी तक के छापामार कार्रवाई में जो तलाशी कार्रवाई की गई है उसमें कई प्लॉट्स की रजिस्ट्रियां मिली हैं, अमरपाटन में भी प्लॉट्स की रजिस्ट्रियां मिली हैं, रीवा में भी कुछ प्लॉट्स की रजिस्ट्रियां मिली हैं और ताला के भी जो सतना जिला का वहाँ की प्लॉट्स की भी रजिस्ट्रियां मिली हैं जो कि भी हाल ही में क्रय की गई हैं। इसके अलावा 1 ETIOS कार मिली है, 2 मोटरसाइकिल मिली हैं और ज्वेलरी भी मिली है, करीब 3.5-4 लाख की ज्वेलरी मिली है अभी, और इसमें भी तलाशी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक करीब जो है 1 करोड़ की संपत्ति की अनुमान है कि इतनी की आय से अधिक संपत्ति इस छापे में बरामद हुई है। सर कुछ केस भी बरामद हुए? कैश उनका केवल घरेलू खर्चा लायक है, जो 8-10 हज़ार है वो मिला है और इसका अतिरिक्त कैश नहीं मिला। हाँ, पासबुक कई मिली हैं बैंक की और LIC पॉलिसीज भी मिली हैं और वो सब भी जब्त, कागजों के जब्त कर लिए गए। सर अभी कार्रवाई चल रही है? अभी कार्रवाई चल रही है और दोनों जगह अलग अलग टीम गई थी। जो रीवा में घर है उसमें अभी कार्रवाई चल रही है, रीवा में एक अभी और प्लॉट भी है जहाँ की अभी जाएगी टीम, तो अभी कार्रवाई चल रही है और 1 करोड़ से ऊपर होने का अनुमान है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।